नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। संसद में सेंधमारी मामले में असली विलन को लेकर बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी से आज कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के बाद संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के जो तार हैं वो कोलकाता से भी जुड़ गए हैं। जी हां, मैसूर के बाद कोलकाता से ये कनेक्शन सामने आया है और इस घटना का मास्टर माइंड बताया जा रहा 5वां आरोपी ललित झा, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, वो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में किराए के एक मकान में रहता था। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कोलकाता पुलिस से संपर्क भी किया है, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने ललित झा के पते पर पहुंचकर मकान मालिक से पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, यानी कि लंबी फहरिस्त यहां पर अब सवालों की आएगी, जिसका सामना आरोपी ललित झा को करना होगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है उसके आधार पर शक जताया जा रहा है कि ललित झा भी इस कांड का बस एक मोहरा हो सकता है, जो किसी के इशारे पर हो सकता है नाच रहा हो। नाम ललित झा, आरोप संसद में हंगामे की साजिश का मास्टरमाइंड। ये चेहरा मासूम है, मगर पुलिस वालों को शक है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का सूत्रधार यही शख्स है, ललित झा। 2 दिन पहले संसद में हंगामा खड़ा करने के लिए जब 4 लोग घुसे थे, उस दौरान ललित भी वहीं था, मगर उसका चेहरा किसी की नजर में नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ललित संसद के अंदर नहीं घुसा था, अंदर घुसे थे सागर शर्मा और मनोरंजन, और बाहर प्रदर्शन कर रहे थे नीलम और अमोल। ललित बस चुपचाप बाहर रहकर नीलम और अमोल का वीडियो बना रहा था, जिसे उसने सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। हंगामा सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल कर रहे थे, इसलिए चारों मीडिया और पुलिस की नजर में आ गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मगर ललित कैमरे के पीछे रहा, इसी बात का फायदा उठाकर वो फरार हो गया था, और तभी से पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। मगर एक रात पहले ललित खुद चलकर पुलिस के पास पहुंचा और दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। ललित झा वैसे तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, मगर न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से पता चला है कि वो कोलकाता में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता था। सूत्र बताते हैं कि ललित पहले वहाँ एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था और 1.5 साल पहले वो कोलकाता छोड़कर चला गया था। सूत्र के मुताबिक कोलकाता में ललित को जानने वालों का दावा है कि ललित बेहद ही शांत स्वभाव का था और वो बेहद ही कम लोगों से मिलता जुलता था। इसलिए जब न्यूज चैनलों पर ललित की तस्वीर चली तो उसे जानने वाले लोग हक्के बक्के रह गए कि वो संसद में घुसकर हंगामा करने का इतना बड़ा कांड भी कर सकता है। मगर न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे जो पता चला है वो पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रहा है कि ललित झा इस फिल्म का असली विलन नहीं है, वो भी बस एक मोहरा ही है। उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई चेहरा है, एक साया है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा है। यह शक इसलिए क्योंकि ललित अकेला पुलिस के पास नहीं पहुंचा था, वो अपने साथ एक शख्स को लेकर आया था और वो शख्स था ये। नाम महेश, पता नागौर, राजस्थान। ललित के साथ महेश भी थाने गया था। महेश भी फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल और ललित से जुड़ा था। सूत्रों ने न्यूज 18 इंडिया को बताया है कि पहले 13 दिसंबर को महेश को भी संसद पहुंचना था, लेकिन परिवार के चलते उसका ये प्लान फेल हो गया। वहीं आरोपी ये सोच कर बैठे थे कि संसद में इतना हंगामा करने के बाद वो आसानी से रफू चक्कर हो जाएंगे। आखिरकार ये तय हुआ कि 5 लोग ही संसद पहुंचेंगे और महेश इन तमाम लोगों को छुपाने और भगाने में इनकी मदद करेगा। इसी वजह से महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया था और वो नागौर में ही रहा, मगर संसद में सेंध लगाने वाले आरोपियों का प्लान चौपट हो गया और सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। भागने में सिर्फ ललित ही कामयाब हो पाया।
उसने घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर की रात ही दिल्ली से बस पकड़ी और सीधा राजस्थान के नागौर पहुंच गया। वहां वो महेश से मिला और महेश ने ललित के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। मगर टीवी में अपने कांड की खबर देखकर दोनों डर गए। सूत्रों के मुताबिक ललित लगातार न्यूज चैनल्स देख रहा था और पुलिस की हर मूवमेंट की उसे पूरी जानकारी थी। जब उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा तो वो और महेश दोनों नागौर से दिल्ली चले गए और सीधा थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने ललित और महेश से इतनी तगड़ी पूछताछ की कि सीन में एक और किरदार की एंट्री हो गई। नाम कैलाश, पहचान महेश का चचेरा भाई, पता राजस्थान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को जब ललित दिल्ली से फरार हुआ तो वह कैलाश और महेश दोनों के ही संपर्क में था। महेश और कैलाश दोनों ने ही ललित को छुपाने में मदद की और नागौर में उसे कमरा दिलवाया। संसद की सुरक्षा में चूक की ये कहानी बेहद पेचीदा होती जा रही है। पुलिस आरोपियों के जितने करीब पहुंचती है एक नया किरदार पैदा हो जाता है। इसी वजह से पुलिस को शक है कि संसद में घुसने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड कोई और ही है। फिलहाल इस कहानी में 8 किरदार हैं। पहला लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा, दूसरा कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला मनोरंजन डी, तीसरी हरियाणा की नीलम, चौथा महाराष्ट्र के लातूर का अमोल शिंदे, पांचवां बिहार का ललित झा, छठा हरियाणा के गोरग्राम का विक्की, सातवां राजस्थान के नागौर का महेश, आठवां राजस्थान का कैलाश। CNN News 18 के मनोज गुप्ता को खुफिया सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ललित झा इस साजिश का सूत्रधार लग तो रहा है, मगर मुमकिन है कि उसका आका भी कोई और है, क्योंकि आरोपियों के संसद में घुसने की वजह सिर्फ उनकी विचारधारा तो नहीं हो सकती। सूत्रों को यह भी पता चला है कि पूछताछ में आरोपियों के बयान एक दूसरे से मेल भी नहीं खा रहे। वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई और नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को यह बात बिल्कुल नहीं पच रही है कि फेसबुक के जरिए मिले आरोपियों की जान पहचान इतनी ज्यादा पक्की हो गई कि अपने मुद्दे को उठाने के लिए सीधे उन्होंने संसद में ही सेंधमारी की साजिश रच डाली। पुलिस का मानना है कि आरोपियों को संसद में हंगामा करके पब्लिसिटी तो चाहिए थी, मगर उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम था कि संसद में घुसकर दहशत फैलाना कितना बड़ा जुर्म है और उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। इसलिए कोई तो है जिसने आरोपियों को उकसाया और संसद में घुसने में उनकी मदद की। पुलिस अब उसी शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस की जांच अब इन 8 शहरों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमने वाली, उसकी जांच का दायरा बढ़ेगा। पुलिस इंडिया गेट से लेकर संसद तक लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। गुरुग्राम में जहां सभी आरोपी विकी के घर ठहरे थे, वहां के CCTV कैमरों की फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों ने बताया है कि पुलिस के सामने पूछताछ में ललित ने कबूल किया है कि उसने और महेश ने सागर, नीलम, मनोरंजन और अमोल के फोन जला दिए हैं। संसद में घुसने से पहले चारों ने अपने मोबाइल फोन ललित को दे दिए थे और ललित उन्हें लेकर फरार हो गया था और वो मोबाइल फोन बड़ा सुराग थे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस सभी आरोपियों के फोन नंबर लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कई ऐसे फोन नंबर्स हैं जिनका डाटा यहां पर खंगाल रही है पुलिस की एजेंसियां, क्योंकि उनको ये यकीन है कि इन फोन नंबरों के जरिए वो कुछ ऐसे संगठनों के संपर्क में थे जो इन्हें इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उकसा रहे थे या इनके साथ मिले हुए थे। लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के इस मामले पर सियासत भी खड़ी हो गई है। ललित झा की TMC नेता तापस रॉय के साथ एक तस्वीर सामने आई है जिस पर BJP ने हल्ला बोल दिया है। ललित झा जब इसको लेके राजनीति हो रहा है तो इसमें स्पष्ट है जो TMC इतना अंदर में हल्ला बोल कर रहा है, इसमें जो ललित झा के साथ TMC विधायक का जो तस्वीर है सामने आ रहा है, इसमें इनके साथ तृणमूल के साथ कनेक्शन स्पष्ट है। इसका हाई इन्वेस्टिगेशन टीम जो जांच कर रहे हैं, इसको जांच होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर खुद तापस रॉय ने उन पर लगाए गए सभी आरोप नकार दिए। यू सी व्हाट कैन यू प्रूव बाय ये फोटोग्राफ एंड दैट इज टू ए सिंगल फोटोग्राफ। इट सीम्स दैट दे वांट टू सप्रेस कवर अप देयर फेलियर्स। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 टीमें बनाई हैं।
दो आरोपियों के राज्यों में जाकर एक एक सुराग ढूंढेंगी ताकि संसद का एक भी गुनाहगार बच ना पाए। देखिए पीओके में बड़ा होने वाला है ये प्रश्न चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, आज जिसका खुलासा हम करेंगे। आज पीओके एक बार फिर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 440 वोल्ट का जोर का झटका बेहद जोर से लगा है। तिलमिलाए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम पीओके पहुंच गए। अनवार उल हक काकर ने पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल सेशन को संबोधित किया, ये उनका खौफ कहा जा सकता है, वो डर कहा जा सकता है। अनवार उल हक काकर ने एक बार फिर कश्मीर राग यहां पर अलापा है। तो देखिए साफ है कि भारत की सरकार ने जो जो मैसेज दिया, जो जो बड़ा संदेश दिया, उसे पीओके ने पढ़ लिया। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। सवाल यह है कि पीओके में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहना चाहता हूं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, दो दिन रुक जाते पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। तीन मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी को कहते हैं तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। हर जंग में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है, वो भी पीओके की धरती से। पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ से पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत की संसद में पीओके का जिक्र क्या हुआ पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तख्लीक पाकिस्तान हो चुका है, तख्लीक पाकिस्तान हुआ है, 7 दिहाइयां उसको गुजरी हुई हैं, तकमील पाकिस्तान होने जा रहा है। धोथा चना बाजे खाना यानी असमर्थ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। पीओके पहुंचकर अनवारुल हक काकड़ ने भी वही काम किया है। संसद से गृह मंत्री ने जो मैसेज दिया है उसे पाकिस्तान ने पढ़ लिया है। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। जैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के पीएम अनवारुल हक काकड़ भागे भागे पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। यहां पीओके में लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल सेशन के नाम पर 8-8 आंसू बहाने लगे। सबको ये यकीन दिलाता चलूं मैं आज हाजिर यही हुआ हूं और इसी वजह से हुआ हूं। पाकिस्तान की चाहे फौजी क़यादत है, पाकिस्तान की चाहे सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया है, कोई भी ऐसा फर्द जिसका असर पॉलिसी मेकिंग में है उसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं। चूहे की जाया बिल ही खोदता है। कश्मीर को लेकर जो काम जिना ने किया, जो काम पाकिस्तान के सभी वजीरे आजमों ने किया, वही काम अब अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। काकड़ ने भी फिर वही फर्जी राग अलापा है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आ रहा है। पाकिस्तान वकील है लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबाओ अजदाद के हिस्से में जो जायदाद
आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। अनवारुल हक काकड़ के इस खींच से साफ हो गया है कि भारत की संसद में पीओके को लेकर जो बुलंद आवाज उठी उसकी गूंज एलओसी के उस पार पाकिस्तान में सुनाई दी। ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। तिल मिलाए पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ पीओके को लेकर दावा करने मुजफ्फराबाद पहुंच गए। किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। सुना आपने, इसे ही कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। झूठा एक बात पर स्थिर नहीं रहता। कश्मीर को लेकर यही हाल पाकिस्तान का है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देता है, वो ना तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है उस पर हिंदुस्तान की सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की टाट उलट चुकी है। पीओके के लोगों को पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को आतंक के जख्मों के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। आम लोगों का पेट भरना पाकिस्तानी सरकार के बूते की बात नहीं, लेकिन सपना पूरे कश्मीर का देखता है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीनेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि पीओके में पाकिस्तान अपनी जबरिया हुकूमत चलाता है। 75 साल से पाकिस्तान पीओके पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन अब उसको खौफ सता रहा है, पीओके के हाथ से जाने का खौफ। वजह है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे पीओके को लेकर मोदी सरकार के सख्त तेवर। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवारुल हक के पीओके पहुंचने के पीछे पाकिस्तान की घबराहट भी साफ नजर आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दो टूक कहा था कि पीओके हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इसे सुनकर पाकिस्तान का कलेजा कांप गया। डर सता रहा है कि कहीं पीओके भी उसके हाथों से ना चला जाए। दरअसल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में आतंक फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। आतंकी घटनाएं लगातार कम होती जा रही हैं और पत्थरबाजी का तो जैसे अंत ही हो गया है। ऊपर से रही सही कसर मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल ने पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थी, नए बदलावों के बाद सीटें बढ़कर 114 हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पहले जम्मू की 37 सीटें थी, जम्मू की सीटें बढ़कर अब 43 हो गई हैं। वहीं विधानसभा में कश्मीर से 46 सीटें थी जो बढ़कर अब 47 हो गई हैं। पीओके की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अमित शाह के पीओके वाले बयान को सुना गया है। पाकिस्तान की आवाम में मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए संकल्प की चर्चा हो रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि धारा 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। सवाल है कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा है? भारत की संसद में अमित शाह के एक से बढ़कर एक विस्फोटक बयानों के क्या मायने हैं? गृहमंत्री अमित शाह की पीठ थपथपाते नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर 5 अगस्त 2019 की है। मोदी के विरोधियों ने कहा कि मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, कश्मीर की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया है। जंग
में रूस के 90% देखिए सैनिक यहां पर मारे गए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दे, पुतिन के रूस को हरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि अब तक की जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के आधे टैंक तबाह हो चुके हैं। फरवरी 2022 में मॉस्को की 360,000 की सेना को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए उतारा गया था, लेकिन इतने दिनों के में 315,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए हैं। ये रूस की युद्ध पूर्व सेना का 87% यहां पर हिस्सा कहा जा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा सही है ये या फिर किसी तरह का प्रोपेगेंडा है। पश्चिमी मीडिया में व्लादिमीर पुतिन की तबाही के किस्से खूब छपते हैं। मारे गए 90% सैनिक, 600 दिन बाद पुतिन की हार। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 660 से ज्यादा दिनों से चल रहा युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां रूस खूनी मौत मरना शुरू हो चुका है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे रूस के 90% सैनिक मारे जा चुके हैं। हम आपको आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के सभी देशों की सैन्य ताकत को यूक्रेन में तबाह कर डाला है। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। 24 फरवरी 2024 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अभी तक 600 दिन की जंग में पुतिन की जीत और यूक्रेन की हार पर क्या दावे किए जा रहे हैं। अगर रूस के दावों को माने तो पुतिन का रूस यूक्रेन के 35-40% इलाके जीत चुका है, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है वो हैरान करने वाला है। जरा देखिए कैसे पुतिन के हारने के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह से व्यापक टैंक युद्ध शुरू किया था उसे भी यूक्रेन सेना ने नाटो और अमेरिका से मिली एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 600 दिन से ज्यादा की जंग में रूस के आधे टैंक तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस खुफिया रिपोर्ट को रूसी जनरल और कमांडर बकवास बता रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं तो फिर यूक्रेन अपने इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा क्यों नहीं पा रहा है। पश्चिमी देश भले ही रूस को भारी नुकसान के दावे करें, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूक्रेन में चल रहा रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूसी सेना का मिशन पूरा नहीं हो जाता। Тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации. Хоф में यूक्रेनी जनरल, रूस के 7 गुना हमले शुरू। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका क्यों भाग रहे हैं, क्यों बाइडन के सामने बार बार हथियारों की लिस्ट रख रहे हैं। ऐसा क्या है कि बाइडन का अमेरिका और नाटो देश मिलकर भी रूस को अब तक जंग में नहीं हरा पाए हैं।
हम आपको यूक्रेनी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव की वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेनी जनरल ने साफ माना है कि रूस के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव ने रूस के हमलों पर बड़ा दावा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव का साफ कहना है कि पिछले दो हफ्तों में 7 बार यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सेना घुस चुकी है और बेतहाशा हमले कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर 90% के करीब रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं तो फिर रूस इतने भीषण हमले कैसे कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव ने यह भी दावा किया है कि रूस के 7 हमलों में से 5 हमलों को यूक्रेनी सेना ने नाकाम कर दिया है। अगर यूक्रेनी जनरल के बयान को सही माने तो फिर वो ये बताएं कि 7 में से 2 बार रूसी सेना के हमले सफल कैसे हुए। Результати для України, для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді. Марі гає 90% сенек. 600 дин бад. Путин кі хар. 4 करोड़ 10 लाख आबादी वाला यूक्रेन 600 से ज्यादा दिनों से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लगता है कि यूक्रेन अब जीत के दोबारा से झूठे दावे करने लगा है, क्योंकि रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक खौफ में आ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी घातक फौजों के सबसे बेहतरीन 2 लाख लड़ाके सरहद पर भेजना शुरू कर दिए हैं। ऐसे हालातों को देखकर लग रहा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूसी सेना की तबाही के जो दावे किए हैं वो गले नहीं उतर रहे। भले ही अमेरिका की एजेंसियां दावा करें कि रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से क्या आंकड़े जारी किए गए हैं। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 21 महीनों से जंग जारी है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने आकलन में कहा है कि युद्ध में रूस अपने करीब 87% उन सैनिकों को खो चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे थे। इसके अलावा रूस के 2/3 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। फरवरी 2024 में जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। पुतिन का साफ कहना है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अमेरिकी जानकारों का यह भी मानना है कि इस जंग में यूक्रेन को कोई बढ़त मिलने वाली नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की तबाही के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 3,60,000 सैनिक घुसे थे। इनमें से 3,15,000 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा रूस के 3,500 में से 2,200 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। यही नहीं, रूसी सेना के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अनुमान में कहा गया है कि रूस अपने 1/4 से ज्यादा हथियारों को खो चुका है। हालांकि अब तक इसे लेकर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने नए हथियार हासिल करने के लिए ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। तो कैसे थे डिमिलिटरिज़ेशन? नो, नहीं चाहते договариваться. Ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить. Но почти ничего не производят. Все привозят, извините за моветон, ну, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается. जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशी बा सरजू पावनी अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल
इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।